अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू आर आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग हम लाइब्रेरी से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ना अभी भी लाइब्रेरी आई हूँ और अभी ना बस कुछ पढ़ना है मैंने। ये हमारी यूनिवर्सिटी का ज़ीरो पॉइंट है, जैसे कि आप सब लोगों को पहले से पता ही होगा। और अभी मेरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की क्लास है आज, तो इधर मैं आई हूँ शटल। जाहिर सी बात है हमारे डिपार्टमेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो पैदल किसी सूरत नहीं जाया जा सकता, तो जिसके लिए आपको शटल लेनी पड़ती है। मैं यहाँ बस शटल का वेट कर रही हूँ और उधर से मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड है मैं उसका भी वेट कर रही हूँ। वो यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुँच गई है और बस वो आ रही है, तो हम इकट्ठे जाएँगे डिपार्टमेंट। पता नहीं एनर्जी नहीं है यार, आज बोला नहीं जा रहा कोई कुछ। एक तो दिल नहीं कर रहा व्लॉग रिकॉर्ड करने का, ऊपर से ना कुछ है ही नहीं कहने के लिए आज। मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, थक गई हूँ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। लिटरली मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं पढ़ भी नहीं सकी हूँ आज सही से, लेकिन मैं थक गई हूँ पता नहीं ऐसा क्यों है। खैर अभी लेक्चर भी है तो पता नहीं मैं कैसे समझ पाऊँगी लेक्चर, परेशान हो रही। अच्छा तो मेरी राइट वाली बंदी आ गई है, तो अभी ना हम तो अभी हम शटल में बैठने लगे हैं। चल अरे हाय बुढ़े हो गए हैं असी, किधर बैठेंगे, आगे बैठ जाते हैं सुकून से। हेलो, थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ मैं और बहुत थक गई हूँ। तो फाइनली हम डिपार्टमेंट आ गए, दोपहर के 3 बज रहे हैं और ना क्यों हिल रहा है मेरा कैमरा। और ना अभी हम लोग जा रहे हैं क्लास लेने के लिए, टाइम ऑलरेडी हो ही चुका है मेरे ख्याल में, पर हम अभी बाहर ही दिख रहे हैं। मतलब हाँ 3 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होनी थी और 3 बजे वाली हमने शटल लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये मेरी लेफ्ट वाली बंदी ये कभी मेरी राइट साइड पे होती है, कभी मेरी लेफ्ट साइड पे होती है। पानी इतना रश क्यों है आज हज़ार ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे यार माँ, फिर भी कम निकले। डिपार्टमेंट आ, अच्छा चलो डिपार्टमेंट आ गए हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बीबी राइट वाली नहीं, बंदी हो चुकी है, सर नहीं आए तो होने वाली है, बस हो ही जाएगी। राइट वाली बंदी की ख्वाहिशें चल रही हैं कि अल्लाह करे सर ना लेक्चर कैंसिल कर लें, और अगर लें भी ना सर को कोई इमरजेंसी हो बस 10-15 मिनट पढ़ाएं। और जो हमारे सर है ना वो प्रॉपर टाइम पे आ जाते हैं, 2 घंटे हमें प्रॉपर टाइम पे आ जाते हैं, और सर एंड जब तक हमारे लेक्चर का टाइम ख़त्म नहीं होता ना सर पढ़ाते रहते, चाहे बंदा सो के मर जाए ज़मीन वो सो जाए, सर ने नींद बस करनी। अगर कोई सर को कह दे ना सर बस कर दें, सर उल्टा उसको ही शुरू हो जाते हैं। फाइनली वी आर डन विद अवर लेक्चर, और सर ने इतना पढ़ाया सर ने। तोबा यार बताओ क्या बताऊँ, लिटरली सर ने बहुत पढ़ाया। हम सो रहे थे, ये सो रही थी, बल्कि मैं नहीं सो रही थी आज, इसको नींद आ रही थी, और ना सर ने इतना ज़्यादा पढ़ाया ना, हमने सर को पूरा टाइम तक सर पढ़ाते रहते हैं। इतनी सर को क्या मुसीबत है, सर का कहना है कि आधा घंटा तो हम आते थे वेस्ट। हाँ सर का भी दिल चाह रहा था आधा घंटा और पढ़ा दूँ, और हमने कहा नहीं भाई हमारा पॉइंट मिस हो जाएगा, हमें घर जाना है। हालांकि अभी मैं पता है कि आधा घंटा रहता है, लेकिन हमने पढ़ना नहीं था, जो पढ़ लिया था वही बस हो गई थी। लेकिन खैर इधर साइड पे अच्छा अभी ना हम लोग पानी लेने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे डिपार्टमेंट से ना MC जाते हुए बहुत देर लगती है, तो फिर हमें प्यास लग जाती है, तो हमने सोचा हम यार मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है भाई, या मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे आंधी वाला मौसम हुआ हुआ है, मतलब मगर की हवाएं जल्दी हो जाती है, ऐसे लग रहा है जैसे आंधी वाला मौसम ना हो फुल, तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ है। हाँ वो तो भाई जाएंगे तो पता चलेगा। कल अच्छा मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर है ना, हाँ सही। मुझे लग रहा था कि मौसम बहुत अच्छा है, वाकई है भी सही। ये ग्रीन सी लाइट पता नहीं ऐसे डॉट सा बन के आने लग जाता है पता नहीं क्यों। चलो ध्यान से उतरो,
जब भी हम उतरते ना मैं इसका ऐसे हाथ पकड़ लेती हूँ सीढ़ियाँ उतरते मैं इसका हाथ पकड़ के उतरती हूँ। आज का व्लॉग हम इधर डिपार्टमेंट के बाहर ही ख़त्म कर देते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सही सीन है, सही है। खैर ये तो हमारी बॉन्डिंग चेक करें आप लोग, ऐसे 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 हम हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं सारा टाइम, एक छोटी है तो दूसरी पकड़ लेते हैं। हाँ मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई ना, मैंने सोचा भी नहीं था। खैर एमसी तक आ गए हम अपने डिपार्टमेंट से भागते भागते। खैर